नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जून जुलाई की गर्मियों में बारिश के मौसम के लिए हम कौन कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें अपने टेरेस गार्डन पे, अपने ग्रो बैग्स में, गमलों में उगा सकते हैं और उसमें अपने परिवार के लिए एक ऑर्गेनिक सब्जियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ 15-20 ऐसी सब्जियाँ जिन्हें आप मई जून या जुलाई की गर्मियों में बरसात के मौसम के लिए अपने ग्रो बैग्स में लगाइए और उनसे अच्छी फ्रूटिंग, अच्छी हार्वेस्टिंग लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ बेल वर्गीय सब्जियों से जो कि क्रीपर्स होते हैं। इनमें सबसे पहले दोस्तों करेला, जो कि सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इन्हें आप अपने ग्रो बैग्स में लगाइए। इनके लिए ग्रो बैग्स आपको चाहिए 15x15 का ग्रो बैग, इनके लिए सफिशियंट होता है। इसमें इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, पर इनकी ग्रोथ, इनके जो फैलती हैं, ये बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो आप करेला लगा सकते हैं, उससे अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों, आप गिलकी या तरोई, दो तरह की होती हैं, आप इन्हें भी लगा सकते हैं अपने ग्रो बैग्स में। इनके लिए भी साइज 15x15 का सफिशियंट है, आप इन्हें भी देखिए लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप लगा सकते हैं लौकी। लौकी भी काफ़ी फ़ायदेमंद सब्जी है, आप देखिए मेरे यहाँ लौकी लगी हुई है मेरी। इसे 15x15 या 18x18 के गमले में लगाइए। 18x18 में लगा रहे हैं तो आप दो पौधे एक गमले में लगा सकते हैं, या 15x15 में आप एक में एक पौधे ही लगाइए। चौथे नंबर पर दोस्तों आती है कद्दू। देखिए कद्दू की कितनी अच्छी ग्रोथ है। कद्दू को थोड़ा बड़ा गमला चाहिए होता है, इसकी रूट बहुत ज़्यादा फैलती हैं, इनको मिट्टी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज होते हैं मिट्टी के, तो हमें कद्दू के लिए थोड़ा बड़ा ग्रो बैग चाहिए होगा। कम से कम 18x18 का ग्रो बैग आप रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, आप लगा सकते हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन। देखिए ये, इसे मैंने फ्रूट कैरेट में लगा रखा है, आप भी इसे में लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 15x15 या 18x18 के ग्रो बैग में भी इन्हें लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप कुंदरू लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा कुंदरू लगा हुआ है, मैंने कुछ इसके मंगाए थे कटिंग्स, पर एक कटिंग ही इसकी सक्सेसफुली लग पाई है। नेक्स्ट, इसके बाद दोस्तों आप लगा सकते हैं भिंडी। भिंडी दोस्तों बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छी ग्रो होती है और इन्हें आप चाहें तो बड़े ग्रो बैग्स जो होते हैं स्क्वायर में, उनमें लगाइए, या फिर छोटे ग्रो बैग्स में अगर आप लगाते हैं तो ये देखिए मैंने इस प्रकार इस ग्रो बैग में 7 पौधे लगाए थे भिंडी के, अभी 4-5 जर्मिनेट हुए हैं, जर्मिनेट हो रहे हैं, तो आप इनमें भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आप बैंगन लगा सकते हैं। बैंगन के लिए आपको ग्रो बैग चाहिए कम से कम 12x12 का, तो आप बैंगन लगा सकते हैं और उसमें अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। बैंगन के अलावा दोस्तों, आप टमाटर और मिर्च भी लगा सकते हैं। टमाटर और मिर्च में आपको वही 12x12 के ग्रो बैग्स चाहिए होंगे। देखिए मेरे टमाटर लगे हुए हैं और इनमें फ्रूटिंग भी हो रही है। टमाटर टमाटर के अलावा आप मिर्च भी लगा सकते हैं। मिर्च के लिए भी आपको ग्रो बैग चाहिए 12x12 का, जिनमें कि आप मिर्च लगा सकते हैं। देखिए कितनी सारी मिर्च लगी हुई हैं। मिर्च के अलावा दोस्तों, आप सेम लगा सकते हैं, सेम भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। सेम के अलावा आप लगा सकते हैं लूबिया, बीन्स, इसे भी आप लगा सकते हैं और इनमें आप फ्रूटिंग ले सकते हैं बरसात के मौसम में। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा हम बात करें तो आप लगा सकते हैं चौलाई, हरी भाजी। ये देखिए दोस्तों, ये कितनी अच्छी ग्रोथ है। इसे मैंने 4-5 बार हार्वेस्ट कर लिया है, आप देखिए इसकी जड़ें कितनी मोटी हो जाती हैं। या आप इसे लगातार ऊपर से हार्वेस्ट करते रहते हैं तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये है मेरी चौलाई। इसे आप हार्वेस्ट करते 8-10 बार तो आप कम से कम इससे हार्वेस्ट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन सब्जियों की जो ज़मीन के नीचे से हमें मिलती हैं, जैसे कि आप देखिए अदरक, मेरी अदरक है ये, बरसात के सीज़न में मई जून जुलाई में लगती हैं और आपको अच्छी खासी अदरक आपके कंटेनर में मिलेगी। अदरक के अलावा दोस्तों, आप लगा सकते हैं अरबी, इसका पत्ता भी खाया जाता है और
फिर इसमें हमें इसे खोद के अरबी निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इसमें मूंगफली देखिए, मैंने दोस्तों अभी लगाया है आज, उसमें जर्मिनेशन नहीं हुई है, आज ही मैंने लगाया है। मूंगफली भी आप लगा सकते हैं। मूंगफली के अलावा दोस्तों आप हल्दी भी लगा सकते हैं, और एक और सब्जी दोस्तों आप चुकंदर या मूली, देखिए मैंने रेड रेडिस लगाई है, रेड मूली, तो आप मूली भी दोस्तों लगाइए। और एवरग्रीन दोस्तों साथ में पुदीना ज़रूर लगाइए, क्योंकि पुदीना आपको गर्मी के मौसम में काफ़ी हेल्दी रखने में सहायक होता है। तो ये रही दोस्तों मेरे टेरेस गार्डन की और मेरी जानकारी के हिसाब से कुछ वेजिटेबल्स जो आप अपने टेरेस पे ग्रो कर सकते हैं। तो बारिश के मौसम के लिए आप देखिए मैंने सीडलिंग्स शुरू कर दी हैं, आप भी शुरू कर दीजिए, ताकि आप बहुत पीछे ना हो जाएं अपने टेरेस पे सब्जियों को उगाने में। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।